रानी कश्यप कहती हैं, बेस्ट क्राइम उपन्यासकार दिनेश पंडित छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े कत्ल करवा देते हैं। कत्ल तो जरूर होता है, पर वजह प्यार है या बेवफाई, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड बाफ और मैं शामली कात्यायन आपके साथ। तापसी पन्नू की फिल्म हसीन दिलरुबा का इंतजार खत्म हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर 2 जुलाई को रिलीज हसीन दिलरुबा जबरदस्त रोमांच और सस्पेंस से भरपूर है। कहानी के एंड तक लगता है जैसे आप किसी नॉवेल को पर्दे पर देख रहे हैं। निर्देशक विनील मैथ्यू ने हसीन दिलरुबा की कहानी को बेहद नापतोल कर परोसा है, जिसका हर एक सीन सस्पेंस से पर्दा उठाती है। आइए आपको बताते हैं कैसी रही विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन रहाणे की हसीन दिलरुबा, जिस पर कत्ल का इल्जाम लगा है। ये एक ऐसी कहानी नहीं है जहाँ एक लड़का एक लड़की से मिलता है, दोनों प्यार में पड़ते हैं, शादी कर लेते हैं और हमेशा के लिए खुशी से रहते हैं। ये पागल प्यार जुनून, वासना, बदला, अपराध और अन्य कई चीज़ों से गुजरने वाली कहानी है। ये एक ऐसी फिल्म नहीं है जो हर दिन कमर्शियल सस्पेंस में बनती है, बल्कि ये उस तरह की पल्प फिक्शन है जिसमें आप अपना समय लगाना चाहेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये बाकी की तुलना में अलग है। हसीन दिलरुबा की कहानी के केंद्र में रानी है, रानी यानी कि तापसी पन्नू, एक खूबसूरत हसीन और जवान लड़की। उसे क्राइम और थ्रिलर पसंद है, खूब उपन्यास पढ़ती है। रानी पर अपने ही पति यानी कि विक्रांत मैसी के कत्ल का इल्ज़ाम है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, रानी की शादीशुदा जिंदगी के राज भी खुलते जाते हैं। खून का ये मामला उलझता जाता है, जब तक जो केस पुलिस को ओपन एंड शट लग रहा था, उसकी पेचीदगियों में जांच भी उलझती है और रानी का एक गैर मर्द के साथ अफेयर का किस्सा भी है। हसीन दिलरुबा में कई ऐसे मौके हैं जब आपको ये उठपटांग या यकीन से परे लगेगी, लेकिन ये भी सच है कि हर दूसरे मौके पर थ्रिलर पैदा करने वाले ट्विस्ट और डार्क लव स्टोरी के रूप में ये आपको बांधे रखती है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हसीन दिलरुबा रोचक थ्रिलर है जो धीमी रफ्तार और भावनात्मक दोहरावों के साथ शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे पटरी पर आकर रफ्तार पकड़ लेती है। रानी पर पति के कत्ल का इल्ज़ाम है और पुलिस पूछताछ में वो उनके रिश्तों के बारे में जो बातें बताती हैं उनसे खुद घिरती जाती है। तापसी पन्नू ने रानी की भूमिका को बढ़िया ढंग से निभाया है और शुरू से अंत तक छाई है। वहीं विक्रांत मैसी ने एक बार फिर अपने सधे हुए अभिनय का प्रमाण दिया। एक सीधे साधे इंसान से पागलपन की हद तक प्यार करने वाले आशिक के कैरेक्टर को विक्रांत ने शानदार तरीके से घुमाया है। हर्षवर्धन रहाणे ने भी अच्छा काम किया है। फिल्म की पटकथा को निर्देशक विनील मैथ्यू ने बहुत ही सुलझे हुए तरीके से बुना है। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स कनिका ढिल्लो ने लिखी है। हर एक सीन कसा हुआ है। फिल्म की एक और खासियत इसकी पंच लाइन रही, प्यार के शहद में लिपटे ये लाइन सुनकर याद ही हो जाने हैं। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, एक्साइटमेंट और बढ़ती जाती है और आप आखिर तक कातिल का अंदाजा लगाते रह जाएंगे। वैसे मैंने तो फिल्म देख ली है, अगर आपने भी देख ली है तो अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।